खरगोन में भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती शनिवार को शहर में उत्साह के रूप में मनाई गई। निमाड़ कोयला मोर्ची समाज संगठन के तत्वाधान में सुबह काला देवल मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर संत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। वहीं पर शोभा यात्रा में हाथों में अश्व सवार समाज के युवा अगवानी कर रहे थे। वहीं पर बैंड बाजों की धुन पर यहां पर देशभक्ति के गीत के साथ ही गुरु की महिमा का बखान किया जा रहा था। महिलाएं भजन गाते हुए और पुरुष जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं पर फूलों से सजी हुई बग्घी में संत शिरोमणि का आदमकद चित्र स्थापित किया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। रास्ते भर समाज सेवी संगठन, जनप्रतिनिधि, व्यापारियों ने पुष्प वर्षा करते हुए एवं रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत के मंच लगाए गए थे, जहां पर पुष्प वर्षा के साथ जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए करीब 4 घंटे भ्रमण के बाद में वापस काला देवल मंदिर पहुँचकर सभा में तब्दील हुई। गुरुदेव संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का हम सभी रविदास समाज के लोग गुरु रविदास जी का 647वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे। इस आयोजन में हमारे सभी समाजजन सर्वप्रथम आज प्रातः गुरु रविदास जी की भव्य शोभा यात्रा काला देवल मंदिर परिसर से प्रारंभ कर खरगोन नगर का भ्रमण कर पुनः काला देवल मंदिर परिसर पहुंचेगी। इसके पश्चात हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि माननीय गजेंद्र सिंह जी पटेल सांसद एवं विधायक बालकृष्ण जी पाटीदार, छाया जोशी जी एवं अन्य विशेष अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में पधारेंगे। इसके पश्चात हमारे कार्यक्रम में सभी समाजजनों के लिए विशेष महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है और रात्रि में भजन संध्या के कार्यक्रम के अंतर्गत शिव भाई गुप्ता सेल्दा वालों का और उनकी टीम का भजन कार्यक्रम भी रखा गया है। सामाजिक समरसता के जनक गुरु रविदास जी ने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए जिस समय 15वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का शासन था और उस शासन के अंतर्गत गुरु रविदास ने एक विशेष धर्म को अपनाने से मना किया, जानवरों का चमड़ा निकालना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने अपने धर्म को कभी त्यागा नहीं और उनका समभाव सभी मनुष्य एक है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और उनके अनुसार जातिगत भेदभाव उन्होंने समाप्त किया। चित्तौड़ की महारानी मीराबाई के वो गुरु थे, कबीरदास जी के समकालीन थे और उन्हीं के विचारों के ऊपर और उन्हीं के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा समाज सामाजिक एकता का परिचय देते हुए आज उनका जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। आप मेरी ओर से, आपकी चैनल की ओर से सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, सभी समाजजनों को गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रेवाराम तावड़े, समाज संगठन जिला अध्यक्ष। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।